हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा अल्टो 800 की टेपिड कैसे सेट होते हैं। अल्टो 800 होगी या अल्टो हो गई, तो ओल्ड मॉडल जो अल्टो आती है ना उसमें सेम ही टेपिड आएंगे, और अल्टो 800 जो भी अल्टो नए मॉडल की जो आ रही है, भले 15-16 मॉडल ले लो या 18-19-20 मॉडल ले लो, उसमें सब में सेम टेपिड कैसे सेट होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो भाई ठीक है, और तुम लोग भी देखना भाई टेपिड कैसे सेट होते हैं, और फर्स्ट टॉप पे कैसे आना है, कैसे फर्स्ट टॉप पे आएगा, सेकंड टॉप पे जब आया तो अपन को कैसे पता चलेगा। जैसे अभी तुम कह रहा था ना कि मैं फर्स्ट टॉप पे पिस्टन टॉप पे आ जाएगा तो ये मालूम चल जाएगी मुझे, तो आपको फर्स्ट टॉप पे कैसे आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि अपन क्या करते हैं इसके अंदर गेज लगाते हैं, हर आदमी गेज लगाता है ना, देख फोन पास में ला, हर आदमी क्या करता है, मैं भी लगाता हूँ, वो तो दिक्कत नहीं, हर आदमी के ऊपर नहीं है, लेकिन जो सीखने वाला है इसको फर्स्ट टाइम सीखना है वो क्या करेगा, इसके अंदर मैंने गेज लगाया और जैसे मैं इंजन घुमाऊंगा तो क्या होगा, वो गेज ऊपर आएगा तो पिस्टन जैसे ऊपर आया तो क्या हुआ, इंसान को लगता है फर्स्ट टॉप आ गया, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट टॉप ही होगा, हो सकता है सेकंड टॉप भी हो। भाई कहते हैं कि भाई वाल चेक कर लो, भाई कोई वाल ढीला हो समझ लो, वाल ढीले नहीं हो, वाल सारे टाइट हो, मैंने हेड पे पूछा है, उसने गाइड टाइट कर दी, वाल सारे टाइट हो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये फर्स्ट टॉप ही है, कन्फर्म कैसे होऊंगा मैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, कन्फर्म करने के लिए हमेशा देखना है, मैंने जैसे इंजन को घुमाया नीचे से, गेज मैंने यहाँ लगाया, गेज लगाने के बाद गेज ऊपर आया, तो अब मुझे ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, केम को भी चेक करो। अभी ला भाई देख, केम जो है ना, केम के देखो आपको नुकीले दांते दिख रहे होंगे केम के घूमे में, ये कुआं केम के, अभी ये फर्स्ट टॉप है अभी गाड़ी के ऊपर। अभी तूने कहा कि मैं वाल चेक कर लूँगा फ्री होंगे जो फर्स्ट टॉप होगा, तो जरूरी नहीं कि हो सकता वाल जाम भी हो, तो अपन को फर्स्ट टॉप सबसे अच्छा चेक करने का तरीका ये है। ठीक है भाई साहब, तू भी देख ये फर्स्ट टॉप चेक करने का तरीका, फर्स्ट टॉप पर जैसे ये तो केम भी चेक करो, केम मेरी एग्जैक्ट साइड है, केम के जो मुँह आते हैं ना, मुँह जो दाते दिखते देखो दिख रहे होंगे साहब, ये दाते, ये अभी एग्जास्ट साइड की तरफ मुंह आ रहा है, और मेरे ये भी इंटेक के वाल फ्री एकदम दिख रहे हैं, और अभी इधर ला। तो फर्स्ट टॉप कौन कौन से सेट होते हैं अल्टो के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको गणित बता देता हूँ। सबसे पहले तो दो सेट होंगे जिसको अपन एक कहते हैं, एक दो, कितने होंगे भाई, एक दो वाल को एक गिनोगे, दो वाल को हमेशा एक गिनना है, एक दो हो गए फर्स्ट टॉप पर ये, और फिर आ जाता है नीचे वाला एग्जास्ट की तरफ, चार और छः, कितने हो गए, एक दो चार छः फर्स्ट टॉप के ऊपर। फर्स्ट टॉप कैसे पता करना है, केम का, केम के तीर के निशान देखने, भाई दूसरी तरफ रहना चाहिए ना कि चिड़ियों के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर अगर निशान ये है ना केम के निशान, तो उधर फर्स्ट टॉप नहीं है, हो सकता है वो सेकंड टॉप हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो तरीका तो मैं बता देता हूँ, जो नंबर बताए भाई, एक दो चार छः हो गए, एक दो चार छः, उसके बाद आपस में इंजन घूमूंगा, क्योंकि 17 का बना ला, 17 का बना ला, अभी देख सकते हो आप फर्स्ट टॉप है ना, तो इसलिए देखो केम के निशान भी इधर है, तो अपन को साफ मालूम चल रहा है कि फर्स्ट टॉप है। भाई अपन कहते हैं कि भाई टेपिड ढीले करके देख लो, जरूरी नहीं है, अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको सीखने के लिए। अब मैं इंजन घुमाता हूँ, ठीक है, मैं इंजन घुमा रहा हूँ, समझ लो मैंने इसके अंदर वो लगा दिया गेज, लगा गेज लगा दिया, पिस्टन वापस, अभी तो टॉप के ऊपर पिस्टन, वापस इंजन घूमेगा, इंजन घूम रहा है, घूम रहा है ना, इंजन घुमा, इंजन घुमा, और मैं घुमा के वापस इसको, ये पिस्टन वापस टॉप पर आ गया, अब वापस पिस्टन टॉप पर आ गया, लेकिन देख लो टेपिड की साइज चेंज हो गई, ये देखो चेंज हो गई ना, अब ये सेकंड टॉप पर आ गया, तुझे तो क्या लगा कि यार पिस्टन टॉप पर आ गया तो हो सकता है यही टॉप हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्रेन दो बार घूमती है और केम एक बार घूमती है, अगर क्रेन के, क्रेन ने राउंड अगर एक लिया ना तो केम आधी बार ही घूमेगी, तो अभी अपने नीचे से घुमाया तो क्रेन का राउंड सिर्फ एक ही था, केम का राउंड आधा हुआ, तो आधा हुआ तो क्या हुआ, सेकंड टॉप पर आ गई। अब इधर ला देख, सेकंड टॉप पर आते ही क्या हुआ, देख इधर देख, ये केम के निशान, अब उस साइड चल गए, इसका भी इस साइड चल गया, अब फर्स्ट टॉप पे देख केम के निशान ऊपर आ गए, तो इस जगह टेपिड सेट होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टॉप है, फर्स्ट टॉप पे तीर के निशान इधर आ गए, ये जो केम के ऊपर जो तीर होते हैं ना, ये जो बने हुए हैं ये अच्छे, ये देखिए, तो इस साइड आ गए तो इस पर टेपिड सेट होंगे नहीं, ये सेकंड टॉप है, ये सेकंड टॉप, तू तो अगर पिस्टन डाल के देख लेता पिस्टन टॉप पे, और तू फर्स्ट पे मिला देता, अभी फर्स्ट पे मिला देता, फिर क्या होता, दिक्कत ही आती ना गाड़ी में, तो ये देखना हमेशा, ये अभी देख तीसरे पे, तो देख सा, ये नीचे चल गया ना, ये नीचे चल गया, इसके मुंह नीचे चले गए, तो ये सेकंड टॉप है। हमेशा वीडियो, हमेशा मैं कह रहा हूँ, कभी आप धोखा नहीं खाओगे, केम देख लो, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप आपको गेज के हिसाब से समझ में आ जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपन उसी को सेट कर रहे हैं, दिक्कत हमेशा आ सकती है, तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें अच्छे तरीके समझ में आएगी, और अगर तुझे भी समझ में नहीं आया तो वीडियो अपलोड करूँगा, जब तू दोबारा शुरू से तू भी देख लेना, समझ में आ गया ना, बस ये अभी ये सेकंड टॉप है, हो सकता है पिस्टन टॉप पे तू फर्स्ट टॉप ही सेट कर देता, टेबिल मिला देता, वापस घुमाता ये मिला देता, तो ऐसा नहीं करना, हमेशा केम को भी हमेशा देखना है उसके मुंह किस साइड है, समझ गए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, थैंक यू।